आप जानते हैं कि हमारे जो कैटेगरीज हैं सो लेट मी टेक दो कैटेगरी कैटेगरीज़ वन बाय वन सो फॉर पीपल एज्ड मोर देन 45 फाइव ईयर्स 10.76 टेन पॉइंट सेवन सिक्स करोड़ पीपल हैव बीन गिवन द फर्स्ट डोज एंड वन पॉइंट नाइन्टी करोड़ डोजे सॉरी नॉट पीपल वन पॉइंट नाइन्टी करोड़ डोजेज हैव बीन एडमिनिस्टर्ड सो द टोटल डोजेज दैट हैिस्टर्ड आर ट्वेल्व पॉइंट सिक्स सिक्स करोड़ similarly for healthcare workers and frontline workers was the, were the first category that was opened up. among the healthcare workers, 0.95 crore doses have been administered uh, for the first dose and 0.64 crore doses have been given as the second dose, making a total of 1.59 crore doses. similarly, for the frontline workers, 1.38 करोड़ डोजेज एज द फर्स्ट डोज एंड 0.75 करोड़ डोजेज एज द सेकेंड डोज मेकिंग अ टोटल ऑफ 2.13 करोड़ डोजेस ओवरऑल पीपल एजड एटीन टू फोर्टी फोर जो कि अभी रिसेंटली खोला गया ऑलरेडी ग्यारह लाख लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है तो इस प्रकार सब मिला के अभी तक हमारे देश ने 16.50 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर कर दी हैं पिछले कुछ दिनों में जो जो प्रयत्न किए गए कोविड 19 पैंडमिक को डील करने के लिए तो पिछले दो दिनों में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एट स्टेट्स जो मैंने आपको दिखाए भी थे जहां पे कि केस ट्रेजेक्ट्री बढ़ बढ़ रही है आसाम उड़ीसा झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल इनके साथ एक दिन रिव्यू किया गया काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू था डॉक्टर पॉल भी थे उसमें और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ भी डिटेल रिव्यू किया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू किया गया और उसमें फोकस ये था कि किस प्रकार कंटेनमेंट होना चाहिए किस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से वो बढ़ा सकते हैं इंक्लूडिंग मैन पावर ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स और मेडिकल uh, ऑक्सीजन की उनकी क्या स्थिति है वेंटिलेटर्स और बाकी लॉजिस्टिक्स जो हैं और वैक्सीनेशन कवरेज और एम्फेसिस यही था कि हमें सर्वेलेंस हमारा जो पुराना जो जो साइंस हैज़ नॉट चेंज्ड ऑफ टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट दैट रिमेन्स द सेम एंड कंटेनमेंट मेजर्स रिमेन द सेम सो एम्फेसिस हैज़ टू कंटिन्यू ऑन दोज थिंग्स एम एच ए ने एक एडवाइज़री भी दी सभी स्टेट्स को कि सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अन पावर सप्लाई मिलनी चाहिए और हमें इंश्योर करना है सभी स्टेट्स को कि कुछ भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जहाँ पे पावर आउटेज हो या फायर हो ब्रेकआउट हो इन सब चीज़ों के लिए हमें पूरा ध्यान देना है प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ इसके लिए करनी है और पी प्लांट जो प्रेशर स्विंग एब्जॉर्बशन ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स हैं उसमें से जो एक सैंक्शन हुए हैं उसमें से इकहत्तर ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं और 109 इस मई के एंड तक इंस्टॉल हो जाएंगे और बाकी जो हैं वो जून एंड तक कंप्लीट हो जाएंगे इससे हमारी जो निर्भरता है ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा ऑक्सीजन लाने की वो काफ़ी मात्रा में कम भी हो जाएगी और टोटल ऑफ वन लैक वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड नाइन्टी फोर पी प्लांट्स आर बीग इस्टेब्लिश्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री So, from the side of the Union Health Ministry, I use this platform that we request the states and union territories to prioritize the beneficiaries of the second dose and ensure the timely completion of the recommended vaccination schedule. Secondly, utilize the supplies of vaccines through the Government of India Channel in the 70 is to 30 ratio for the second dose and the first dose respectively. एंड डू अ रेगुलर रिव्यू ऑफ़ दी कवरेज ऑफ दी वैक्सीनेशन ड्राइव टू एंड फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट अ स्ट्रैटी फॉर दिस प्रायरिटाइजेशन तो वह सब एक अपना एक्शन प्लान और स्ट्रैटी बनाएं और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रैटी भी होनी चाहिए जो कि जो फुल टू डोजेज जो देने हैं जो प्रायरिटी बेनिफिशरी ग्रुप्स को उसके लिए भी वो अपना ध्यान दें